असलम स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई एम गोइंग टू स्टार्ट दर्टीन चैप्टर ऑफ क्लास टेंथ बायोलॉजी एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज स्पोर्ट एंड मूवमेंट एज आपको पता लग रहा है कि इसका नेम से पता लग रहा है कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे अबाउट द मूवमेंट हाउ द ऑर्गेनिजम्स मूव और मूवमेंट होती कैसे यू नो मूवमेंट इज कंसर्न विद द स्केल्टन सिस्टम सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द स्केल्टन सिस्टम एंड आल्सो द मसल्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल मूवमेंट होता क्या है मूवमेंट इज़ द जनरल टर्म मीनिंग द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजिशन बाय एंटायर बॉडी और बाय इट्स बॉडी पार्ट्स सो बेसिकली दीज आर देर आर टू टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट एंड लोकोमोशन मतलब बॉडी पार्ट्स के थ्रू मूवमेंट और लोकोमोशन लोकोमोशन क्या होता है इट इज अ मूवमेंट ऑफ एन एनिमल एज अ होल मतलब पूरा का पूरा एनिमल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देता है ह्यूमन स्कैलेटर skeleton system is defined as the framework of hard articulated structure that provides physical support attachment for muscles and protection for the bones of animals it means it is a frame of hard articulated structure it provides provide support attachment for the muscles and protection

all the vertebrates that have for example human being all these vertebrates have the skeleton that is inside the body and it is called endoskeleton in all the living body skeleton is very इज वेरी मच अलाइव मतलब ये अलाइव होते हैं एंड बॉन्स एंड कॉर्टिलेज ये बेसिकली जो बॉन्स होते हैं जो कॉर्टिलेज होते हैं दी इज आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स दे आल्सो हैव द नर्व्स ब्लड सेल ब्लड वेसल्स एंड दे कैन ग्रो एंड हैव द एबिलिटी टू रिपेयर दैम सेल्स